डीलर्स को इतना प्रॉब्लम आ रही है, बारिश की वजह से सब प्रॉब्लम हो गया है। बारिश गांव में पड़ रहा है तो जो नया फसल है वो पूरा बाद हो जा रहा है, तो उसके लिए नया फसल फिर वापस आने के लिए 21 दिन लगता है, तो खेती में कुछ माल है ही नहीं है। ये इसके वजह से दो तीन महीने से हो गया, पूरा प्रॉब्लम चल रहा है। ग्राहक को लगता है ये लोग लूटता है, लेकिन क्या एक्चुअली क्या है प्रॉब्लम से ये कि खेती में माल नहीं तो इधर माल कैसा आएगा। और आता है माल तो बहुत लंबे से, लातूर भीतर बहुत देना है, उसका खर्चा बहुत है, एक एक गाड़ी का 20,000-25,000 भाड़ा है। क्या कारण रहा है कि बारिश की वजह से? बारिश है ना, मौसम है ना, कभी भी गिरता है बारिश। जब माल ऊपर आता है तो बारिश गिरता है तो पूरा साफ हो जाता है, फिर महंगा हो जाता है। तो कम से कम लोगों को 1 से 1.5 महीना। एक आम आदमी के जेब पर इसका कितना असर पड़ रहा है? इतना असर पड़ रहा है कि उसका बजट ही आउट हो जा रहा सब, यानी कि एक लिस्ट है उसमें आधी खत्म, आधे में जो बजट खत्म हो रहा, बाकी सब जूना है उससे वस्तु बाकी के सब रह जा रहे, भाजीपाला में सब पैसे खत्म हो जा रहे, फिर वैसा ही बाजार में आके खाली हाथ जाना पड़ रहा है वापिस। तो